Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बा confirmation देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बा confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? इंडिया के बेस्ट AJ इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है. इसको बेस्ट आप लोगों ने बनाया गाइज, आपके प्यार ने बनाया है. पिछले पौने दो साल के अंदर अंदर जितनी भी बार हम लोग मिले हैं, चाहे एग्जाम आपका DSSSB हो या DFCCI हो, RVU NLO, RSMSSB, SSC JEE हो या NHPC स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, OCP बोकारो राउरकेला का पेपर हो या मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. और इस बार भी गाइज मैं आपसे वादा करता हूँ, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग MPPGCL के इस बेस्ट इलेक्ट्रिकल के सेशन में आपको स्वागत है और आपको सभी क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे. तो एक बार दिल से भाई सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन. एंड अगेन गुड इवनिंग गाइस. तो एक बार दिल से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना भाई, अभी तक शेयर और लाइक नहीं हुआ यार, एक बार टेलीग्राम पे आग लग जानी चाहिए. वी आर लाइव नाउ करके और गजब लेवल के क्वेश्चन हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं. वी आर लाइव नाउ करके जल्दी फटाफट फास्ट बेटा. मनीष क्लास की PDF आपको टाइम के साथ मिल जाएगी, उसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है. जिस दिन आपको PDF की नीड होनी चाहिए उस दिन तक PDF आपको मिल जाएगी. रोज PDF को इकट्ठा करते रहोगे, कोई काम नहीं पड़ेगा, मोबाइल के अंदर पड़ी रहेगी एज इट इज और कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करो. जिस दिन एग्जाम होंगे उसके पहले रिविजन के लिए PDF सही होंगी, अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, द राइज टाइम ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन अ CRO इज दिस, व्हाट इज इट्स बैंडविड्थ. बट अगर राइज टाइम हमको इतना दिया है तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी CRO के अंदर, जल्दी बोलें. देख CRO के अंदर बेटा राइज टाइम हमको इतना दिया है तो बैंडविड्थ कितनी होगी. तो राइज टाइम CRO के अंदर हमको दिया हुआ है और राइज टाइम हमारा कितना है गाइस, TR जो कि हमको दिया है 0.5 माइक्रोसेकंड. तो आपको बताना है इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी. तो बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना है, बैंडविड्थ कितनी होगी जल्दी से कैलकुलेट करें. तो राइज टाइम आपको दिया हुआ है, बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी बोलेंगे फटाफट. राइज टाइम आपको दिया है, बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना है. तो बेटा बैंडविड्थ कितनी निकलेगी, टाइम दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो यार टाइम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी बेटा निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/ राइज टाइम होगा. तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा यार, 1/ 0.5 into 10 to the power of 6. तो ये कितना निकल के आ जाएगा यार, ये निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मेगाहर्ट्ज. तो हमारा 2 मेगाहर्ट्ज निकल के आ रहा है. अब ये 2 मेगाहर्ट्ज सही है या गलत है, तो आप लोग बोल रहे हो सर 0.7 मेगाहर्ट्ज होगा, तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जल्दी बोलेंगे. बहुत बढ़िया. तो बेटा बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये नहीं होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ध्यान रखना. बहुत बार बच्चे इसमें गलती करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज इस तरीके की गलतियां को ना करें. बैंडविड्थ और राइज टाइम में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए. सर क्या रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूं. तो बेटा बैंडविड्थ जो होती है आप लोगों की, जो बैंडविड्थ आप लोगों की होती है वो हमेशा 0.35 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय राइज टाइम देखने को मिलती है. ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे हमेशा. तो राइज टाइम जब डिवाइड बाय करोगे 0.5 तो ये निकल के आ जाएगा 0.7, और 0.7 निकल के आ जाएगा 10^-6 का ऊपर 6 जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 मेगाहर्ट्ज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.7 मेगाहर्ट्ज. इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज एन एक्टिव लोडेड MOS MOS डिफरेंशियल सर्किट पजेस. बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डज एन एक्टिव लोडेड MOS डिफरेंशियल सर्किट पजेस करता है, एक एक्टिव लोडेड MOS कौन सी सर्किट को पजेस करता है. High CMRR, low CMRR, high delay, high differential gain. जल्दी बोलेंगे. ये वाला मैराथन बेटा सारे एग्जाम्स के लिए, आप लोग थंबनेल के ऊपर इतना मत सोचा करो. आपको भी पता है कि मोहित सर रोज सारे एग्जाम्स के लिए ही क्लासेस लेते हैं, बट अब यार संडे का मैराथन है तो उसके ऊपर सारे नाम लिखवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल PSC का भी पेपर है, MPPGCL का भी पेपर है. ठीक है, इसके बारे में बात करें, महाजैन को AJEE भी है, PGCIL भी, OPTCL भी, APDCL भी है, तो सबके नाम लिख पाना बहुत मुश्किल होता है और नाम नहीं लिखना चाहिए सबका, है ना, अलाउ नहीं करता YouTube, इसलिए आप लोगों के लिए कोई एक नाम लिख दिया जाता है ना. बट आप लोग ये मत सोचिए कि इस क्लास के ऊपर ही नाम नहीं लिखा तो ये क्लास हमारे लिए है ही नहीं, है ना, ये ध्यान रखिएगा. आपको पढ़ाई करनी है तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर जूनियर इंजीनियर एग्जाम. तो मैं सारी चीजों को दिमाग में ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों की क्लासेस लेता हूं, तो ऐसा मत सोचना कि इसके ऊपर नहीं लिखा है तो हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, वो वाली चीज अपनी क्लास में नहीं चलती है. चलिए तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज एन एक्टिव लोडेड MOS डिफरेंशियल सर्किट पजेस. एक एक्टिव लोडेड MOS डिफरेंशियल सर्किट क्या पजेस करती है. तो बेटा अगर एक्टिव लोडेड MOS डिफरेंशियल सर्किट है
तो याद रखना, याद रखना इसका डिफरेंशियल गेन काफी हाई होगा, इसका जो डिफरेंशियल गेन होना चाहिए वो काफी क्या होगा, हाई होगा। तो एक मॉस डिफरेंशियल सर्किट का डिफरेंशियल गेन क्या होता है, काफी हाई होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल नीडेड फॉर अ सर्ज, टाइम इंटरवल नीडेड फॉर अ सर्ज टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ 600 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सुनील, मोहित के यूज किया कि नहीं किया, मोहित के यूज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ तेरे को प्रॉपर डिस्काउंट मिल गया, मोहित के यूज हुआ। चलो जल्दी करेंगे, यहां पे देखोगे भाई, द टाइम इंटरवल नीडेड फॉर अ सर्ज टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ 600 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विल बी, तो बेटा यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे यार, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 सेकंड्स निकाल दिए गए अभिजीत के द्वारा, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग प्रियंका, कैसे कैलकुलेट करोगे यार भाई, एक 600 किलोमीटर की लाइन लॉन्ग लंबी केबल है और उसमें टाइम कितना लगेगा एक सर्ज को ट्रेवल करने में, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे यार, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं बेटा राजेश, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, सर्च कर लो। गुड इवनिंग, चलो तो बेटा यहां पर एक सर्च को ट्रेवल करवाना है 600 किलोमीटर लॉन्ग लाइन में, ठीक है, और समय की बात कर रहा है, और जब समय की बात कर रहा है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू एक काम करते हैं अपन लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा फॉर्मूला लगाते हैं, एक कम से कम अपन आईक्यू तो अपना लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी किसकी लेंगे अब यार, डिस्टेंस तो पता चल गया है, ठीक है 600 किलोमीटर, वेलोसिटी किसकी लेंगे, तो बेटा यहां पर अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो हमको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 600 किलोमीटर, और 600 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 600 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे यार, 600×10⁷ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको ये टाइम निकालना था, कुल मिला के आपको ये टाइम निकालना था, तो 10³ और ये 4 और ये 10⁵ ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम जो हमारा निकल के आने वाला है ये कितना निकल के आने वाला है, 1/3×10⁵ व्हाट, 10⁵ कितना निकल के 5 और 3 8 माइनस का 3 भाई, ये टाइम हमारा निकल के आना चाहिए, ये टाइम हमारा निकल के आना चाहिए। अब ये टाइम मैच कर रहा है क्या कहीं पे, ये टाइम कहीं पे मैच कर रहा है, ये टाइम कहीं पे मैच कर रहा है, काफी बच्चों ने 2 मिलीसेकंड आंसर निकाल दिया है, काफी बच्चों ने 2 मिलीसेकंड आंसर निकाल दिया। सर आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी सर, ये 6 भी तो था, आपने 6 नहीं लिया, चलो भाई 6 ले लेते हैं, तो 3×1=3 होता है, 3×2=6 होता है, तो टाइम हमारा आ चुका है 2 मिलीसेकंड। इसके अलावा बेटा कोई और दिमाग आपको लगाना ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा बच्चे सबसे पहले पैनिक कर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यार टाइम इंटरवल निकालना है, सर्ज दिया है, वेलोसिटी नहीं पता है, क्या है सर्ज क्या नहीं है, है ना, तो पैनिक कर जाएंगे। पैनिक नहीं करना, आप अपना बेसिक फंडामेंटल लगा दो, आपके अपने आप आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप टेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर, इनमें से कौन सा बेटा ट्रांसफॉर्मर का एक टाइप टेस्ट की कैटेगरी में आता है, इनमें से कौन सा एक ट्रांसफॉर्मर के टाइप टेस्ट की कैटेगरी में आता है, टेम्परेचर राइज टेस्ट, लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट, पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफॉर्मर के टाइप टेस्ट की कैटेगरी में कौन आता है, ट्रांसफॉर्मर के टाइप टेस्ट की कैटेगरी में कौन आता है, टेम्परेचर राइज, लाइटनिंग इम्पल्स, तो टाइप टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ऑफ द अबव मत लगा देना, लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट को टाइप टेस्ट बोला जाता है, पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट को टाइप टेस्ट नहीं बोलते, टेम्परेचर राइज टेस्ट को संपूर्ण टेस्ट बोला जाता है या बैक टू बैक टेस्ट बोला जाता है, लेकिन आपका जो लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट है इसको ट्रांसफॉर्मर का टाइप टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए यस यस राज, यस राज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिफरेंशियल चार्ज dQ इज गिवन अ डिफरेंशियल एनर्जी dW, द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज विल बी, क्या बोला गया बेटा, एक डिफरेंशियल चार्ज है और एक डिफरेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल में कितना राइज होगा, फिर से बोलता हूं, एक डिफरेंशियल चार्ज है और एक डिफरेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल में कितना क्या होगा, तो बेटा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी कि एक चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। फिर से बोलता हूं, एक चार्ज पर बेटा कितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
नहीं, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर टेस्ट नहीं पूछा था, द वर्ड नेम इज टाइप टेस्ट, तो सुना ली। और टाइप टेस्ट इज कॉल्ड ऑन ऑलवेज लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट, एक्चुअल नेम है। टेम्परेचर राइज टेस्ट जो यहाँ टेस्ट लिखे थे वो सब ट्रांसफॉर्मर में होते हैं, नो डाउट वो सब ट्रांसफॉर्मर में पाए जाते हैं, लेकिन टाइप टेस्ट किसको बोलते हैं ये पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज एबीसीडी हैज द फॉलोइंग आर्म्स आर ए बी आर बी सी आर सी डी आर डी ए, द वैल्यू ऑफ आर सी डी एंड इट्स एक्यूरेसी विल बी। जल्दी करेंगे, यहां पर आर सी डी का वैल्यू निकालना है और उसकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करना है। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। चलिए, क्या ये सही है कि हमें इस सेशन से क्वेश्चन मिल सकता है? मिलेगा, सही नहीं है, मिलेगा। चलिए, टाइप टेस्ट है ना, रूटीन टेस्ट जो रूटीनली किए जाए, है ना। चलो, टेम्परेचर राइज टेस्ट इज नॉट रूटीन टेस्ट, एक बार करके छोड़ दिया, पता चल गया कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर राइज होता है। चलिए, गुड इवनिंग सुमन। चलिए तो बेटा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। और एक व्हीट स्टोन ब्रिज अगर हमारा बैलेंस है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वानोमीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वानोमीटर भी लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ए, ये बोला जा रहा है बी, ये बोला जा रहा है सी, और ये बोला जा रहा है डी। अब आर ए बी का वैल्यू कितना होगा? 1 किलो ओम। ठीक है, आर ए बी का वैल्यू है 1 किलो ओम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर बी सी जो कि आपका है 100 ओम, देन हम बात करते हैं आर सी डी जो कि आपको निकालना है, और एक लास्ट बचता है आर ए डी जो कि आपको दिया है 300 ओम्स। तो गाइज, यहां पर अगर आप लोगों को ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है यानी कि आर सी डी, तो आर सी डी आप कैसे निकालोगे बेटा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 किलो ओम करना पड़ेगा। तो 300 × 100 तो कर दिया हम लोगों ने, 300 × 100 तो हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम में हम लोगों ने 1000 कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आर सी डी का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 30 ओम। तो हमारा आर सी डी का जो वैल्यू है वो 30 ओम निकल के आ रहा है। और जब बेटा हमारा आर सी डी का वैल्यू 30 ओम निकल के आ रहा है, तो बात आती है इसके परसेंटेज में एक्यूरेसी कितनी है। तो बेटा सबसे ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनके परसेंटेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनके परसेंटेज कितने कितने थे? इनके परसेंटेज थे 0.5 और 0.4। कितना हो गया ये आपका? 0.9 हो गया, और ये 2.1 था, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 3%। अब प्लस माइनस का 3% जो होता है वो कितना होता है? तो भाई 30 ओम में प्लस माइनस का 3% अगर आपको करना हो, तो डिवाइडेड बाय 100 यानी कि कितना निकल के आ जाएगा? ये 0.9 निकल के आ जाएगा। तो 30 प्लस माइनस 0.9 इज द करेक्ट आंसर, 30 प्लस माइनस 0.9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, किसी और को भी टेस्ट बुक पास प्रो इशू हो रहा है क्या? एनर्जी ऑडिट कब यूट्यूब पर होगा? एनर्जी ऑडिट यूट्यूब पर अभी टाइम लगेगा, एनर्जी ऑडिट यूट्यूब में टाइम लगेगा, बाकी बैच के अंदर स्टार्ट होने ही वाला है ना, बैच के अंदर स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, यूट्यूब में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, YouTube में उसके क्वेश्चंस होंगे और बैच के अंदर पूरा डिटेलिंग होगी। ठीक है सोनिया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द ओपेम बेस्ड सर्किट शोन बिलो, इफ द ओपन लूप गेन ऑफ द ओपेम इज 100, R1 इक्वल्स टू 4R2, फाइंड द क्लोज लूप गेन। ये लीव करते हैं, ये लीव करते हैं, ये मतलब का नहीं। चलिए, विच टाइप ऑफ पावर स्टेशन कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, किस तरीके के पावर स्टेशन को कहीं पर भी लोकेट कर देते हैं, जल्दी बताएंगे। अनुराग बोल रहे हैं, प्लीज कुछ बता दीजिए कि बोले क्या थे आपने, जो आप बोले क्या थे, बट आपने बताया सर, क्या बोलना चाह रहा बेटा अनुराग? पूरा तो लिखे एक बार, टेस्ट बुक पाप प्रो के बारे में पूछ रहे हो। बेटा देखो, तुम लोग सब समझदार हो, है ना, तो एक बार अगर तुमको कुछ टेस्ट बुक प्रो के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, तो तुम डायरेक्टली टेस्ट बुक के जो नंबर है उस पर कॉल कर लो और उनसे पूछ लो, तो वो तुमको पूरा क्लियर कर देंगे। बेटा टेस्ट बुक एक बड़ी टीम है, राइट, उसमें हर वैरायटी के या हर डिपार्टमेंट के लोग हैं। एंड आई एम एज अ टीचर, तो मेरे को तेरे को पता है कि क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डील करता हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ बाखूबी। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ ले। अब टेस्ट बुक पास का प्रो जो हो गया या जो भी चीजें हैं उसमें बेटा मेरा जो पार्ट है वहां पर वो अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, टेस्ट बुक के सपोर्ट नंबर पे कॉल करो और उनसे डायरेक्टली पूछ लो कि ये क्या है, तो वो मेरे से ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मतलब तो खुद सोच, आप लोग खुद ही सोचो, इतने मतलब ऐसा होता है ना कि भाई सबको सब कुछ कैसे पता होगा, है ना, मेरे को जो पता होगा वो मेरे से पूछ, मैं क्लियरली बोलूंगा तेरे। चल, विच टाइप ऑफ पावर स्टेशन कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, आपको मेरा कोई भी कोर्स के बारे में पूछना हो,
AJEE इलेक्ट्रिकल का पूछना हो, आपको पूछना हो MPPGCL के बारे में, SSCJEE, RRBJEE, मेरी YouTube क्लास, फ्री मास्टर क्लास, जो पूछना हो सब बताऊंगा, ठीक है? That is my part only. चलिए, so guys, which type of power station can be located at any place? एक पावर स्टेशन को हम ऐसा पावर स्टेशन जिसको हम किसी भी प्लेस पे लोकेट कर पाए, राइट? तो डीजल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन। तो बेटा कौन सा पावर स्टेशन ऐसा है? तो डीजल पावर स्टेशन एक ऐसा पावर स्टेशन है जिसको आप कहीं भी रख सकते हो, आप अपने घर की छत पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट न्यूक्लियर पावर अपने घर की छत पे नहीं रख पाओगे, हाइड्रो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? स्टीम पावर स्टेशन पॉसिबल ही नहीं, बट एक डीजल ऐसा है जिसको आप अपने घर की छत पे भी रख सकते हो। सोनाली ने 5 बार लिख दिया है, एनर्जी ऑडिट एंड यूट्यूब पर इंग्लिश कब होगी? इसके यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, डिटेल में थ्योरी बैच के अंदर है, और यूट्यूब पे कब होगी इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, राइट? कब होगी, बट होगी जब भी होगी, है ना? एक आध सेशन में लूंगा एनर्जी ऑडिट का, बाकी सारी चीजें डिटेल में। इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनर्जी ऑडिट एंड इंग्लिश, देन यू हैव टू ज्वाइन द बैच, बिकॉज क्या होगा कि सारी चीजें यूट्यूब के भरोसे से अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं लॉस है। इनडायरेक्टली आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है? और उस मोटिव के साथ आगे बढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक है? चलो, अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कमेंट को इग्नोर कर दो, कमेंट बिल्कुल इग्नोर कर देते। चलो चलिए, हाँ, एनर्जी ऑडिट भी यूट्यूब पे हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने बच्चे चाहते हैं एनर्जी ऑडिट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए? कितने बच्चे चाहते हैं सर ये यूट्यूब पे पढ़ा दो पूरा एनर्जी ऑडिट फ्री ऑफ कॉस्ट? कितने बच्चों को लगता है सर? एक मिनट बस पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, एक मिनट के लिए पूछ रहा हूँ बस सर, पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी ऑडिट पढ़ा दो। तो आपको शर्त पता ही है मेरी, हाँ, जो रेडी है वो बता दो, बाकी शर्त आपको पता ही है ना? क्योंकि बेटा कोई और तो नहीं बोलेगा आपको, लेकिन मैं जरूर बोल देता हूँ, है ना? एक तो इस लेवल का कंटेंट, ठीक है, जिस लेवल का कंटेंट आप लोग ले रहे हो, ठीक है, तो एक शर्त पे कर लेते हैं, आप जिस दिन जेई बन जाओ तो 5 साल तक की आपकी जो जॉब की सैलरी होगी वो सैलरी को आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको एक ऐसी जगह पे देना चाहता हूँ, मतलब ना मैं रखूंगा ना आपके पास होनी चाहिए, कुछ ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिससे बहुत इंपॉर्टेंट हो, 5 साल, ज्यादा नहीं, 5 साल। तो आप, क्योंकि उस टाइम तो आपकी जेई बन जाओगे ना आप, तो फिर वो सैलरी वहां दे देना, आप मत लेना सैलरी, उनसे बोल देना कि 5 साल तक नहीं लेंगे हम सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो जैसा आप बोलो, हैं? इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? बेटा जिस दिन 30 दिन काम कर लोगे ना, 30 दिन जब काम कर लोगे ना, तो 1 तारीख को जो लोग जॉब करते होंगे उनको पता होगा, जिस दिन उनका सैलरी आता है 1 दिन पहले से मोबाइल में उस मैसेज का इंतजार करते हैं, पूछो इनके दिल से, और इनको जब वो सैलरी का मैसेज आ जाता है तो एक सुकून मिलता है, क्योंकि वो 1 महीना काम किया था। मिलता है नहीं मिलता है? चलो चलो आ जाओ, तो आप लोग सब समझदार हैं, सिस्टम बेटा मनी के फ्लो से चलता है, ठीक है? सिस्टम मनी के फ्लो से चलता है, ये सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस है, तो सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन तो आप समझते हो। कुछ बच्चों को आवाज थोड़ी स्लो लग रही है, मैं बढ़ा देता हूँ यार फिर, ठीक है? और अब इस तरीके की बात अपन नहीं करते हैं बेटा, आपको पता है मेरी क्लास के अंदर, है ना, अपनी क्लास के अंदर अपन लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट की डिलीवरी हो, ठीक है ना? चलो, तो मैंने आप लोगों के लिए आवाज बढ़ा दी, अभी आप लोग को आवाज नहीं कम नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो अपने फोन से आवाज बढ़ा नहीं पाओगे, है ना? तो मैंने ही बढ़ा दी है ये। चलो चलिए, इस क्वेश्चन को करेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज डिफाइंड एज, बेटा एक मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी। अभी बेटा आवाज अच्छी आ गई होगी ना, जिन बच्चों को नहीं आता उनको सुना देता हूँ, ये लोग प्रॉपर आवाज है, ठीक है? प्रॉपर आवाज है यार, अब मत बोलना कोई आवाज अच्छी नहीं है, चलो प्रॉपर आवाज है, प्रॉपर एकदम बिल्कुल, जितना तेज सुन सकते हो ना, कान फट जाएगा उतना तेज आवाज। चलो, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन इज डिफाइंड एज, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन इज डिफाइंड एज बीएचपी डिवाइडेड बाय आईएचपी। चलो इसका फॉर्मूला बताओ यार, बीएचपी और आईएचपी का फुल फॉर्म बताओ कोई बच्चा, बीएचपी और आईएचपी का फुल फॉर्म बताओ कोई बच्चा, जल्दी।
चलो जल्दी बोलेंगे, जल्दी। मैंने हमेशा बोला है कि बेटा एक एग्जाम क्लियर करने के लिए जैसे अपने पास 3 मंथ्स हैं, तो जो हमारा प्लानिंग होता है, मेरा प्लानिंग होता है, वो ये होता है कि एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। उस बच्चे के सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए बहुत ज्यादा, डाउट सेशन भी होने चाहिए बहुत ज्यादा, और तीसरा कॉन्टेंट भी डिटेल में होना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम करते क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पूरा यूट्यूब पे करवा लेता हूँ, प्लस मैराथन में यूट्यूब पे करवा लेता हूँ, प्लस रिवीजन में यूट्यूब पे करवा लेता हूँ, ये सारी चीजें मेरी यूट्यूब पे चलती है। ठीक, फिर आता है डाउट सेशन, तो डाउट सेशन के लिए टेलीग्राम भी है और डाउट क्लासेस अपन लोग ने बैच के अंदर कर ली है, और कॉन्टेंट की जो डिलीवरी है वो बैच के अंदर कर लेते हैं। तो मैं तो बेटा यहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ, यहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ, यहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ, तो एक बच्चे को भी इन तीनों जगह अवेलेबल रहना जरूरी। अब बच्चा ये सोचता है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे हो जाएं, मतलब 8 घंटे आप YouTube पे अवेलेबल रहो, तो बेटा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी, है ना। ट्रू स्पीकिंग मैं बोलूंगा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही ना। आपको ये तीनों करना पड़ेगा। आपको मैं जितने सारे बच्चों को पता है जो चीज यूट्यूब पे मिलती है ये कभी बैच में नहीं मिली होगी ना मिलेगी, तो जो चीज बैच में है वो कभी यहां नहीं आएगी, सबको मालूम है, समझ गए क्या है। चलो अब इस बारे में अपन बात नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेटा बीएचपी होता है क्या, आपको पता है हॉर्स पावर है, एचपी एचपी है, और बीएचपी क्या होता है आपको पता है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर, और आईएचपी क्या है, आईएचपी के बारे में आपको पता है क्लियर, आईएचपी के बारे में आपको पता है क्लियर। मेरा आज दिल टूट गया सर, मैं तो आज तक आपको ब्लाइंडली भरोसा करता हूँ, बट नहीं पता क्यों आज वो वाला फीलिंग फैक्टर क्रिएट नहीं हो रहा है। अरे यार ये देख, ये सेंटी मार रहा है, 6 महीने से पढ़ रहा है मेरे साथ ये बैच से लेके यहाँ तक। ठीक है चलो, एज अ थेवेनिन थ्योरम इफ द इंटरनल इंपीडेंस आर नॉट नोन इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स विल बी। बेटा ऐसा चीजें मत लिखा करो रे पुराने जितने भी बच्चे हैं, जिससे कोई नया बच्चे को ऐसा लगे कि क्या हो गया, मतलब ना ऐसी चीजें नहीं लिखा करो। ठीक है, तेरे को उमेश, तेरे को पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ना 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तेरे को उस दिन से जानता हूँ जब से तू छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तैयारी करने आया। ठीक है चलो जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। एक साल से ज्यादा हो गया, तो चल एज पर थेवेनिन थ्योरम इफ द इंटरनल इंपीडेंस आर नॉट नोन इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स विल बी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। आधे घंटे तक आप कोई चैट बॉक्स में नहीं, सिर्फ आंसर आना चाहिए और कुछ नहीं। चलो, विल बी बोथ रिप्लेस बाय ओपन सर्किट टेस्ट, तो बेटा थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटरनल इंपीडेंस आर नॉट नोन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, तो बेटा वोल्टेज सोर्स के बारे में आपको बताना चाहिए शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स के बारे में आपको बताना चाहिए ओपन सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है और करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट है। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन, ये वाला लीव करते हैं, ये गलती से आ गया। चलो, अब बीजेटी इज इन इनवर्स एक्टिव मोड, बेटा एक बीजेटी इनवर्स एक्टिव मोड में किसकी तरह काम करता है जल्दी बोलेंगे, एक बीजेटी इनवर्स एक्टिव मोड में किसकी तरह काम करता है जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, सब पता है मेरे को। अब आपको किसी की कसम, आपको 1 घंटे ही नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सब पता है मेरे को, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब मालूम है मेरे को। ये जब ये दो चार पात्र हैं, इनको उंगली करने की हमेशा से आदत रही है। चलो आज से थोड़ी कर रहे हैं उंगली, एक करता है तो दूसरे का मनाता, मैं भी कर देता हूँ थोड़ी सी, उंगली पूरी होती है ना तो इतनी सी तो कर ही लेता है। चलो, अ बीजेटी इज इन इनवर्स एक्टिव मोड इफ, एक बीजेटी बेटा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इनवर्स एक्टिव मोड में किसके जैसा काम करता है। ठीक है, तो एक इनवर्स एक बीजेटी, ठीक है, किसके जैसा काम करता है बेटा इनवर्स एक्टिव मोड में, तो इनवर्स एक्टिव मोड बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक इनवर्स एक्टिव मोड मैंने बना लिया, तो बेटा ये मेरा बीजेटी हो गया, और ये अगर मेरा बीजेटी हो गया तो ये मेरा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। अब इनवर्स एक्टिव मोड मतलब क्या होता है जरा सुनना, इनवर्स एक्टिव मोड का मतलब होता है कि ये वाला जंक्शन यानी कि कौन सा बेटा, बेस एमिटर, और ये वाला कौन सा है, कलेक्टर। तो बेटा बेस एमिटर जंक्शन जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। ये कहलाता है बेटा इनवर्स एक्टिव मोड। इनवर्स एक्टिव मोड मतलब वो मोड होता है जो बेसिकली ना तो एम्पलीफायर बनाने में काम आता है ना स्विच बनाने के काम आता है। ये बेसिकली करता है किसकी तरह काम है, अटेन्यूएटर की तरह। किसकी तरह काम करता है, अटेन्यूएटर की तरह। सर अटेन्यूएटर क्या होता है, अटेन्यूएटर का मतलब होता है, अटेन्यूएटर का मतलब होता है कि लार्ज सिग्नल को छोटे सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, यानी कि अटेन्यूएट कर देना, उसको बोलते हैं अटेन्यूएटर। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे एनर्जी बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रीजनरेटर यूज्ड इन गैस टरबाइन पावर प्लांट, बेटा एक रीजनरेटर गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्यों यूज किया जाता है।
एक रीजनरेटर गैस टर्बाइन पावर प्लांट में क्यों यूज करते हैं, जल्दी बोलेंगे। सब पता है उमेश भाई मेरे को, मस्ती तो अपनों के साथ किया जाता है, दूसरे टीचर तो ब्लॉक मार देते हैं, सब पता है मेरे को, मैं नहीं मारता भाई ब्लॉक, बच्चा है यार, बच्चों को मस्ती करते करते पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी जीवन। चलो, व्हाई रीजनरेटर यूज्ड इन गैस टर्बाइन पावर प्लांट, एक रीजनरेटर को गैस टर्बाइन पावर प्लांट में क्यों यूज करते हैं, एक्स्ट्रा हीट के लिए, हाई प्रेशर चैम्बर के अंदर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर टू रिकवर हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। तो बेटा याद रखना, एक गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर हीट को एग्जॉस्ट गैसेस से रिकवर करने के लिए, हीट को एग्जॉस्ट गैसेस से रिकवर करने के लिए, हीट को एग्जॉस्ट गैसेस से रिकवर करने के लिए, क्लियर क्लियर, हीट को एग्जॉस्ट गैसेस से रिकवर करने के लिए हम लोग गैस टर्बाइन पावर प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बेटा कौन सी मोटर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिलेटिवली प्रोवाइड करती है, जल्दी बोलेंगे। एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर हमको प्रोवाइड करती है, एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर हमको प्रोवाइड करती है, एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको कौन सी मोटर प्रोवाइड करती है। जब भी बेटा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात करने जाएंगे तो हमेशा याद रखना कैपेसिटर लगना जरूरी है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग कैपेसिटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हमारी सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। और बेटा इनमें चारों में सबसे घटिया मोटर कौन सी स्टार्टिंग टॉर्क के मामले में, आंसर बोलो, इन चारों में सबसे घटिया मोटर स्टार्टिंग टॉर्क के मामले में कौन सी है, मामले में बताना, मामले में, सबसे वाहियात मोटर है शेडेड पोल, सबसे वाहियात मोटर, सब कुछ घटिया, ऐसा नहीं होता तो जीवन में एक चीज, एक ऐसी चीज जिसका सब कुछ घटिया है, क्या बोलते हैं हिंदी में अपन लोग कभी कभी उसको, समझ गए, लेकिन सस्ता है, प्यारा है लेकिन सस्ता है, इसीलिए उसकी इज्जत है और इसीलिए इसको खिलौनों में यूज करते हैं। समझ में आ गया, गुड, चल नेक्स्ट, the value of IX and IY in the given figure respectively, IX और IY का value कितना होगा, जल्दी बोलेंगे, IX और IY का value कितना होगा, जल्दी बोल, IX और IY का value कितना होगा, जल्दी बोल, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मैं पहले बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, ये देखो बेटा 5 एम्पियर का करंट है, ये IZ है, ये IX है, ये 1 है, ये IY है, ये 8 है, जल्दी बोल IX और IY का, IZ किस किस का निकालने को बोला है, IX और IY, IX और IY का वैल्यू निकालना बेटा, IX और IY, ये और ये, जल्दी करो उस क्वेश्चन को फटाफट, फास्ट, जले चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखोगे आप लोग सिंपल सा कि बेटा यहां एक करंट जा रहा है 8 एम्पियर का, यहां पे भी एक करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, 8 और 1 मिलके कितना हो जाते हैं, तो टोटल 9 एम्पियर हो जाते हैं, तो बेटा आई एक्स पूछा है उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस का 9 एम्पियर हो गया। इसके बाद देखेंगे ये आई वाई आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बेटा 8 एम्पियर, इधर कितना जा रहा है बेटा, तो इधर जा रहा है 5 एम्पियर, दोनों को, दोनों इधर 8 आ रहा है 5 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा बेटा 3 एम्पियर जाएगा, तो आंसर कितना हो गया माइनस 9 एंड 3 एम्पियर, माइनस 9 एंड 3 एम्पियर आपको ऑप्शन में भी मैच करते हुए मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ब्रिज is not used in the measurement of inductance? बेटा एक इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए कौन से ब्रिज को हम लोग यूज नहीं करते, ओवंस ब्रिज को, एंडरसन ब्रिज को, डी सॉर्टी को या हेस को? तो बेटा एंडरसन ब्रिज जो होता है उसको इंडक्टेंस मेजर के लिए यूज करते हैं, डी सॉर्टी ब्रिज जो होता है उसको करते हैं, हेस ब्रिज जो होता है उसको करते हैं, लेकिन हमारा जो ओवंस ब्रिज है ना इसको हम लोग यूज नहीं करते, इसको हम लोग यूज करते हैं इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए। सही लिखा है गलत लिखा है, अबे गधों ये गलती मत कर देना, ओवंस ब्रिज भी इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो भी कौन सा, इंक्रीमेंटल, एंडरसन भी किया जाता है, हेस भी किया जाता है, लेकिन डी सॉर्टी जो है ये कैपेसिटेंस मेजर के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बेस बायस सर्किट, लीव करो बिना सर्किट डायग्राम, जेई के पेपर में क्वेश्चन नहीं आता था, सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, तो सर्ज इंपीडेंस क्या होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, जल्दी बोलेंगे जल्दी, जल्दी चल। द सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, बेटा जो सर्ज इंपीडेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंपीडेंस, जो सर्ज इंपीडेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंपीडेंस, और जब सर्ज इंपीडेंस हमारा नेचुरल इंपीडेंस होता है तो वो होता है अंडर रूट ऑफ जेड बाय वाई, क्या होता है अंडर रूट ऑफ जेड बाय वाई, और जब अंडर रूट ऑफ जेड बाय वाई हमारा सर्ज इंपीडेंस होता है तो इसी को बोला जाता है नेचुरल इंपीडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन अ सीलिंग फैन, कौन सी मोटर बेटा सीलिंग फैन में यूज करते हैं, सीलिंग फैन मतलब घर के पंखे में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, सारे बच्चों को पता है यूनिवर्सल मोटर को मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को कहां यूज करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है इंडक्शन मोटर को कहां यूज करते हैं सिंगल अपने घर के फैन के अंदर, और कौन सी इंडक्शन मोटर है वो इंडक्शन मोटर है सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कौन सी मोटर है सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर, सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट्स इन, एक पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट में एक ब्रांच ओपनिंग रिजल्ट्स इन टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिखा पता है ओपनिंग अ ब्रांच, पैरेलल सर्किट है एक ब्रांच ओपन कर दिया, जैसे आपके घरों में क्या हो रहा है बेटा आपके घर में क्या है, ठीक है चलो मैं बताता हूँ, आपके घर में सप्लाई आ रही है स्विच बोर्ड के अंदर, और फिर आपके घर का जितना भी लोड है पंखा ट्यूबलाइट कुछ भी सब पैरेलल में लगा है, तो अब मान लो आपके घर का एक लोड जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है चलिए, तो क्या होगा इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा पावर घट जाएगी, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज, तो सही बात है इसका वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, क्यों क्योंकि आपके घर के सारे लोड पैरेलल में लगे, एक या चार भी उड़ा दोगे तो भी वो पैरेलल में वोल्टेज तो इतना ही रहेगा, तो ये तो सही बात है, थर्ड वाला सही हो गया तो या तो ये सही है या तो ये सही है ना, या तो अकेला थर्ड सही है तो सब कुछ सही है, तो भाई सीधी सी बात है, एक बार बताओ एक घर का लोड अगर आपका पैरेलल में ओपन हो जाता है तो उसको जाने वाली पावर जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी मेरे लाल, ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी बेटा घट जाएगी, ओवरऑल पावर कम हो जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा टोटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन टाइप वॉट मीटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग ओनली व्हेन, एक प्रेरण प्रकार का वॉट मीटर केवल तभी सटीक रीडिंग प्रोवाइड करता है, कब सटीक रीडिंग प्रोवाइड करता है जल्दी बोलेंगे, सटीक रीडिंग कब प्रोवाइड करता है जल्दी बोलो, सटीक रीडिंग कब प्रोवाइड करता है जल्दी बोलो जल्दी, बहुत बढ़िया चल बहुत बढ़िया चल, तो बेटा एक इंडक्शन टाइप वॉट मीटर प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रीडिंग, वॉट मीटर की बात कर रहा है ना, हाँ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज आर वेरिंग, या फिर बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज आर कांस्टेंट, तो बेटा आपका फ्रीक्वेंसी और सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट होगा तो इंडक्शन टाइप का वॉट मीटर आपको हमेशा एक्यूरेट रीडिंग होगा, और अगर ये वेरी होते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी एरर आ जाएगी और वोल्टेज एरर आ जाएगा, जिस वजह से आपकी रीडिंग्स में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है चलिए हमेशा दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ये चल सर आप हबीबगंज रहते हो क्या, अरे बेटा पराग बेटा हबीबगंज स्टेशन का नाम है, मैं स्टेशन पे कैसे रहूंगा रे, अ पोटेंशियल ऑफ 7 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड इन अ सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, द करंट थ्रू द डायोड इज, अ पोटेंशियल ऑफ 7 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, द करंट थ्रू द डायोड इज, तो बेटा ये एक डायोड है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये 7 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, आपको बताना है इसके थ्रू करंट कितना होगा, आपको बताना है इसके थ्रू करंट कितना होगा, तो अगर आपको बेटा इसके थ्रू करंट निकालना है तो ये 7 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम हो जाएगा, यानी कि करंट कितना हो जाएगा सिंपल सा इतना मिली एम्पियर आ जाएगा, सही है गलत है, गलती है, क्या गलती है सर आपको यहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था आपको यहाँ पे कि सिलिकॉन डायोड है, और अगर बेटा आपको यहाँ पे सिलिकॉन डायोड बोला गया था ना, अगर आपको यहाँ पे सिलिकॉन डायोड बोला गया था ना, तो सिलिकॉन डायोड अगर आपको यहाँ पे बोला गया था तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो करंट निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है 7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, यानी कि करंट आपका आने वाला है कितना 6.3 मिली एम्पियर,
आपका जो करंट है वो 6.3 मिली एम्पियर निकल के आने वाला है, ध्यान रखिएगा आपका जो करंट है वो कितना आने वाला है 6.3 मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशंस द कॉस्ट इज, बाय इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन द कॉस्ट इज, बाय इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन द कॉस्ट इज, इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन द कॉस्ट इज। अगर बेटा पावर सिस्टम के हमारे जितने भी स्टेशन हैं उन सबको अगर मैं इंटरकनेक्ट कर दूंगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी। चलो द इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन द कॉस्ट इज, तो बेटा अगर आप सारे पावर प्लांट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे, सारे पावर प्लांट को आप आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है आपकी वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बेटा ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या होने लगती है, घट जाती है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए तो इंटरकनेक्शन करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इट इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव, बेटा अगर दो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलली ऑपरेट करना है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, एफिशिएंसी सेम होना चाहिए या फिर सेम केवीए रेटिंग होना चाहिए या सेम पोलैरिटी या सेम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड। तो बेटा क्या होना चाहिए, अगर पैरेलल ऑपरेशन करवाना है आपको दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का, अगर पैरेलल ऑपरेशन करवाना है दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का तो दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को पैरेलली ऑपरेट करवाना है तो दोनों की पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइनोसॉइडल वेव v, साइनोसॉइडल वेव v = 100 sin 314.5 t, व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 0.02 सेकंड्स एंड 0.05 सेकंड। कुल मिलाकर वोल्टेज की वैल्यू बताना बेटा इन दोनों टाइम पर, इन दोनों टाइम पर वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, जल्दी करेंगे, इन दोनों टाइम पर वैल्यू कितना होगा, जल्दी जल्दी, इन दोनों टाइम पर वैल्यू कितना होगा, तो बेटा इन दोनों टाइम पर वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले V1 की बात कर लेते हैं, तो V1 हमारा निकल के आ जाएगा 100 में आ जाएगा साइन, साइन के बगल में आ जाएगा 314.15 इनटू टाइम कितना है 0.02, ये हमारा टाइम है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। सिमिलरली दूसरा वाला कितना हो जाएगा बेटा, तो दूसरा वाला हो जाएगा 100 साइन ऑफ 314.15 इनटू 0.005, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब क्या लग रहा है देख के क्या आनी चाहिए, जल्दी बोलो क्या लग रहा है देख के क्या आनी चाहिए, तो सबसे पहले 314 मल्टीप्लाई करते हैं 314.15 इनटू 0.02, तो ये कितना निकल के आएगा, ठीक है, और ठीक है, और दूसरा वाला कितना है 314.15 इनटू 0.005, कितना आ रहा है, हाँ, तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे आपस में इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, बेटा इसको मल्टीप्लाई तुम करने लगोगे ना तो तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, 2πf जो होता है ना 2πf, इसको ओमेगा बोलते हैं, और ये जो आपको दिया रहता है ना 314, ये बाय डिफॉल्ट ओमेगा ही है, ये ओमेगा ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो ये ओमेगा है 2πf, और जहां पर फ्रीक्वेंसी 50 है, तो आप एक काम करो इसको लिखो, इस वाले को लिखो 100 पाई, क्या लिखोगे 100 पाई, और इसको लिखोगे बेटा कितना 2 / 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 पाई, कौन सा वाला, ये वाला 2 पाई बचेगा, 2 पाई का मतलब होता है 360, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 360, साइन 360 डिग्री कितना होता है 0, तो पहला वाला तो 0 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए ही मैच करेगा। दूसरे वाले में देख सकते हो 5/1000 कर देना, 5/1000 कर दोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5/10, ठीक है, तो 5/10 तो पाई बाय 2 साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 मतलब 1 और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर आवर मीटर इज एन, एक एम्पियर आवर मीटर क्या होता है जल्दी बताएंगे, एक एम्पियर आवर मीटर क्या होता है, जल्दी चलिए सर आप गेम खेल गए, गेम तो मैं खेलूंगा, जल्दी करो, एम्पियर आवर मीटर इज एन, एक एम्पियर आवर मीटर बेटा क्या होता है जल्दी बोलेंगे, एक एम्पियर आवर मीटर क्या होता है, एक एम्पियर आवर मीटर क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, तो एम्पियर आवर मीटर है ना, तो एम्पियर आवर मीटर कभी बेटा रिकॉर्डिंग नहीं करता, एम्पियर आवर मीटर कभी इंडिकेट नहीं करता, एम्पियर आवर मीटर एक तरीके का एनर्जी मीटर है जो पुरानी रीडिंग्स को जोड़ता हुआ आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्टिव फिल्टर,
बेटा इनमें से एक एक्टिव फिल्टर की कैटेगरी में आता है। आरसी फिल्टर एक्टिव फिल्टर है, नॉच फिल्टर एक्टिव फिल्टर है, बटरवर्थ फिल्टर या बैंड पास फिल्टर, कौन सा एक्टिव फिल्टर की कैटेगरी में आता है? सब ये सारे के सारे फिल्टर्स है। आरती कुशवाहा जी भी क्लास में आई है, क्या बात है आरती, क्या हाल चाल, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद एकदम से पढ़ने की इच्छा जागी। चलो तो डैश इज एन एक्टिव फिल्टर बेटा, इनमें से एक एक्टिव फिल्टर की कैटेगरी में है, और एक एक्टिव फिल्टर की अगर कैटेगरी में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटरवर्थ फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर हमारा एक्टिव फिल्टर है, बाकी के ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, पैसिव फिल्टर। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, पैसिव फिल्टर है। क्या है, पैसिव फिल्टर, बहुत बढ़िया। चलिए, फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज विल बी, स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज विल बी, जल्दी बताएंगे, जल्दी कुछ कुछ तो पता है, लड़के हैं, नाम लड़कियों का लिख लिया है अपनी जगह पे, ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने नाम लड़कों का लिख लिया है, चैट चैट लाइव चैट, लिटरली बोल रहा हूँ, फैक्ट है ये, जानता सबको हूं मैं एक एक को। चलो, फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज दिस, एक स्टेबल ऑपरेशन की मैं बात करूंगा, अबे अंदर से फितरत थोड़ी बदल जाएगी। चलो, स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंटरकनेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे एंजॉय करते हो, करा करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को इसमें मजा आता है ना, करा करो, कोई दिक्कत। चलो, फॉर अ स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज दिस, एक स्टेबल ऑपरेशन करना बेटा इंटरकनेक्टेड स्टेशन के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट रिएक्टर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा रजिस्टर अगर करने जाओगे, जैसे मान लो एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, ये दो स्टेशन दो एस को अपने को जोड़ना है, तो जीवन में जब भी दो स्टेशन दो एस को ऐसे करके जोड़ना होता है तो रजिस्टर से अगर जोड़ने जाओगे तो जिंदगी भर याद रखना बीच में लॉसेस होंगे, इससे बेहतर है कि आप इंडक्टर के थ्रू जोड़ोगे तो क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी और बीच में लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। नहीं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं कि कौन क्या है, वो तो मैं जानता हूं कि कौन क्या है, मैंने ये बोला ही नहीं कि कौन क्या है, मैंने तो बोला कुछ है कुछ है, ऐसे बोला, ठीक है। तो आप अपने बारे में कोई भी करके कृपया करके मत बताएं कि आप क्या हैं, मैं सब जानता हूं कौन क्या है। चलिए बस, अ 1 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स हैविंग अ लोड लाइन ऑफ V प्लस I, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टर, सॉरी। तो बेटा यहां पर आपके पास देखोगे 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और V प्लस I आपका 100 है, यहां पे आप लोग देखोगे, ये देखेंगे यहां पे, तो बेटा यहां पे देखोगे ये हमारे पास एक करंट अवेलेबल है, और ये करंट जो हमारे पास अवेलेबल है, यहां पर आपके पास एक वोल्टेज अवेलेबल है, और ये हमारे पास यहां पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको बताना है यहां पर कि बेटा करंट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी करेंगे, जल्दी। जल्दी करो। तो बेटा यहां पर आप लोग देखोगे, आप लोगों को सिंपल बोला गया बेटा, ये V इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर के बराबर, V इक्वल टू किसके बराबर है, आई इंटू आर के बराबर, ये हो गया V इक्वल टू आई आर। और बेटा V प्लस आई किसके बराबर है, तो उन्होंने बोला V प्लस आई जो है वो 1 के बराबर है, यही बोला है ना, सॉरी V प्लस आई किसके बराबर है, तो V प्लस आई इन्होंने 100 देकर रखा है, बहुत बढ़िया, तो V प्लस आई इन्होंने 100 देकर रखा है, और V इक्वल टू आई भी है, तो I इक्वल टू 2I इक्वल टू कितना हो गया बेटा 100, तो यहां से I का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो I का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा 50 एम्पियर। जब I का वैल्यू यहां से 50 एम्पियर आ जाएगा तो V का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, तो V का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट, तो V का वैल्यू 50 वोल्ट आ जाएगा और I का वैल्यू 50 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज एसेंशियली अ, मेगर क्या है बेसिकली, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलो, चलो, मेगर इज एसेंशियली आ, मेगर क्या है बेटा एसेंशियली, एक डायनोमोमीटर है, मेगा ओम मीटर है, सीरीज टाइप ओम मीटर है। बेटा प्रो वाली समस्या जिसको आ रही है कॉल कर लो, कितनी बार बोला मैंने, टेक्स्ट बुक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर लो यार, हाँ और क्या बोलूं, बेस्ट है। चलो, मेगर इज एसेंशियली आ, मेगर क्या है, तो मेगर एक तरीके का क्या है बेटा, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला डिवाइस है, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला डिवाइस है, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और बेटा किस तरीके का डिवाइस है, मेगा ओम मीटर है, मेगा ओम लिख दिया ना, बस समझ जाओ कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, मेगा ओम लिख दिया मतलब समझ जाओ ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट फॉर शॉर्ट सर्किट लाइन विल बी। तो बेटा कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए। तो कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बेटा ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है और ये अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन है तो इसको हम बोलते हैं जेड नॉट और यहां पर हम लोग लगाते हैं जेड टी, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल के लिए। लेकिन आज हुआ क्या है, इसने बोला है कि शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए बेटा, ZT का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो फॉर शॉर्ट सर्किट ZT इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा ZT जीरो होना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा ZT हमारा जीरो होना चाहिए, तो ये होता है जेड नॉट माइनस ZT अपॉन जेड नॉट प्लस ZT। तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है बेटा, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन वन देखने को मिलने वाला। तो ओवरऑल कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, वन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A single phase transformer has resistance of 0.1 per unit and reactance of 0.4 per unit. Voltage regulation at full load pointed power factor will be. तो voltage regulation कितना होगा full load पर pointed power factor पे? जल्दी competitive exam। चल एक छोटी सी चीज के लिए ना तुम लोग ना ऐसे ऐसे हो जाते हो जैसे कि ना तुम्हारा जीवन किसी ने छीन लिया हो। तुम्हारा जो ना अंदर की दुनिया थी तुम्हारी, तुम्हारा जो जीवन था, तुम्हारे जीवन में तुमने जो कुछ आज तक पाया था, तुम जिस गद्दी पे बैठे थे वो गद्दी तुम्हारे नीचे से फिसल गई एक ऐसी छोटी सी चीज के लिए। जितने भी बच्चे पास प्रो बोल रहे हैं ना उन सभी को बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है तुम्हारे नीचे की जमीन जो थी जहां पे तुम खड़े थे वही गायब हो गई, तुम हवा में हो हैं। चलो ये सारी बातें वो जो SSC की तैयारी करते ना CHSL CGL वाले वो बोले ना तुम्हें कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब एक इंजीनियर बोलता है ना तो कसम से दिल में यहां से दर्द होता है अंदर से कि एक इंजीनियर ऐसी बातें कैसे कर सकता है। कसम से वो लोग बोलते हैं मेरे को इतना दुख नहीं होता, वो भी बोलते हैं इतना दुख ही नहीं है। अबे कॉमर्स आर्ट्स साइंस और एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में 2006 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये बताया गया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है यानी कि BE BTech जो है इज द टफेस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे टफेस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। और आप सब इलेक्ट्रिकल के हो यानी कि उस इंजीनियरिंग के अंदर 2012 के अकॉर्डिंग, लिम्का बुक के अकॉर्डिंग सबसे टफेस्ट एक तैयारी करते हो, मतलब इस इंसान की मैच्योरिटी सबसे ज्यादा होती है, इस इंसान की मैच्योरिटी सबसे ज्यादा इंडिया में। जितना ज्यादा आप देखो ना UPSC का जो एग्जाम देते हो, UPSC सिविल सर्विसेज का, उसका पेपर ऐसा क्यों बनाया जाता है ताकि मैच्योर्ड इंसान बाहर निकले। और ये भी बोलते हैं ना, आप देखिए जितने भी कलेक्टर बनते हैं, जितने भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, ये इतने मैच्योर्ड क्यों होते हैं, उस एग्जाम की वजह से। तो जितना ज्यादा टफ कोर्स पढ़ते हो उतनी मैच्योरिटी आती है, ये फैक्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तब से सबसे ज्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये तुमको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ये कितनी ज्यादा वर्सेटाइल है दुनिया के अंदर, तुमने सोचा नहीं होगा कभी। कभी सोचोगे तो पता करना कि जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं इनमें से कितने डबल ई ब्रांच के होंगे। चलो तो एक सिंगल फेस ट्रांसफॉर्म, तो मेच्योरिटी अपनी डेवलप रखो यार, कुछ भी हो है ना, कुछ भी हो अपनी मेच्योरिटी को वैसा रखो कि कोई को ये ना लगे, किसी को ये ना लगे कि AEJEE की तैयारी करते करते है ना SSC CHSL की तैयारी करने लग गए, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। चल A single phase transformer has a resistance इतना दिया, voltage regulation कितना होगा? तो बेटा percentage voltage regulation की अगर हम बात करने जाएंगे तो percentage voltage regulation हमारा होता है resistance per unit into cos phi plus minus reactance per unit into sin phi, ये होता है, ठीक है। अब देखो resistance per unit दिया हुआ है 0.1, power factor दिया है 0.8, अब बीच में sin कौन सा लेंगे, lagging लिखा है इसलिए बीच में plus लेना पड़ेगा। reactance per unit कितना दिया हुआ है, तो रिएक्टेंस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, तो रिएक्टेंस पर यूनिट दिया 0.4 और साइन फाई कितना दिया हुआ है, साइन फाई कितना दिया हुआ है 0.6। तो ये 8 है और 6 चुके 24, तो 24 यानी कि 0.24 और 0.08, तो कितना निकल के आ रहा है, ये आ गया 32। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32%, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32%। परवेश सर ALP में डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा दो मिक्स होता है, मिक्स डिप्लोमा ALP डिप्लोमा ITI दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A conductor has a constant current of 4 ampere. How much a charge passes a fixed point on a conductor in 1 minute? जल्दी करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है गाइस जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी करेंगे इसको, जल्दी। एक कंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो होता है बेटा 4 एम्पीयर का। हाउ मच ऑफ चार्ज पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ कंडक्टर इन 1 मिनट? तो बेटा कितना चार्ज पास हो जाएगा, है ना, कंडक्टर में 4 एम्पीयर है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो I इक्वल्स टू कितना होता है, dQ / dt। तो बेटा करंट हमारा 4 एम्पीयर है, चार्ज हमको पता है निकालना है, ठीक है, तो करंट आ गया 4 एम्पीयर और dQ हमारा ये हो गया, और टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम हमारा 60 हो जाएगा, है ना, टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों 60 हो जाएगा, एक मिनट का लिखा है तो 1 सेकंड करना पड़ेगा, तो 1 सेकंड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, जल्दी बोलो, इसके हिसाब से क्या बोलोगे आप, एक कंडक्टर में 4 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट है ना, हाउ मच चार्ज पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट, कितना चार्ज पास होता है, चार्ज पास कितना हो रहा है, तो बेटा चार्ज पास कितना हो रहा है, तो टोटल चार्ज यहां से निकालो कितना होता है, टोटल चार्ज आ जाएगा 6 × 4 = 24, यानी कि 240 कूलम। ठीक है, अब कितना चार्ज पास हो रहा है एक मिनट में, तो 240 कूलम पर मिनट, मिनट में कितना पास होता है, तो 240 कूलम पर मिनट करोगे तो 240 ही आएगा, लेकिन पर सेकंड करोगे तो 40 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 240 कूलम पर मिनट। ठीक है, करेक्ट आंसर 240 कूलम पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूज इन। एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर यानी कि एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट अपना मेजर यूज किस में फाइंड आउट करता है, जल्दी बोलेंगे, क्लियर, जल्दी करेंगे। आज कर देना, क्या नाम है संजय, आज कर देना बेटा एक बार और क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो एक ईडीएम टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो अपना मेजर यूज फाइंड करता है किसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर बेटा हमेशा याद रखना ये ट्रांसफर और एक स्टैंडर्ड दोनों इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर और ईडीएम दोनों इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। एक ईडीएम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर और ईडीएम दोनों की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मोस्ट एफईटी कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इंपेडेंसेस आर रेस्पेक्टिवली। बहुत सारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इंपेडेंस आर रेस्पेक्टिवली, जल्दी बोलेंगे। मोस्ट एफईटी कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किया कॉमन गेट के साथ, तो बेटा मोस्ट एफईटी कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इंपेडेंस हाई ही होता है, लेकिन अगर गलती से तुमने कॉमन गेट कर दिया तो इनपुट इंपेडेंस लो हो जाता है। हमेशा याद रखना मॉस्फेट का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन ड्रेन हो, कॉमन सोर्स हो या कॉमन गेट हो, तीन ही चीज पॉसिबल है। कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स में हमेशा हाई होता है, लेकिन कॉमन गेट में लो हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेपरेशन बिटवीन द 3 फेजेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड देन, अगर बेटा एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के सेपरेशन को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, जल्दी करेंगे। नहीं भाई, एंटीना मैंने नहीं पढ़ा यूट्यूब पे, ठीक है, एंटीना अतुल सर पढ़ाएंगे, अतुल सर से पूछना। इफ द सेपरेशन बिटवीन द 3 फेजेस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज देन, तो बेटा 3 फेजेस है, तीनों लाइन के बीच का सेपरेशन अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो बेटा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁷ ln D/R। तो अगर आप लोग मान लो बेटा डिस्टेंस बढ़ा दोगे, है ना, तो आपका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा नो डाउट। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है πε/ln D/R। तो अगर आप लोग डिस्टेंस यहाँ कैपेसिटेंस में बढ़ा दोगे d, तो नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस बढ़ता है और कैपेसिटेंस कम होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस बढ़ता है और कैपेसिटेंस कम होता है, तो इंडक्टेंस विल इंक्रीज एंड कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, तो इंडक्टेंस बढ़ेगा और हमारा कैपेसिटेंस कम होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द मोटर इन द लिस्ट 1 विद पार्ट 2। मैच करना है आपको लिस्ट 1 की मोटर को लिस्ट 2 के साथ। यूनिवर्सल मोटर के बारे में क्या बोलोगे, तो यूनिवर्सल मोटर हमारी क्या मोटर होती है बेटा, जिसमें कम्यूटेटर होता है। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसमें डैम्पर बार होते हैं, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं, रोटर बार होते हैं। तो R का 2 होना चाहिए, अब R का 2 होना चाहिए, ठीक है, और Q का क्या होना चाहिए, तो Q का होना चाहिए 1, तो R का 2 होना चाहिए, Q का 1 होना चाहिए, और P का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करेंगे यार, एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, और लाइक करके क्रॉस करेंगे 150, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी फटाफट। थोड़ा सा खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है यार, एक घंटे से खड़े हुआ हूं, आप लोगों को पता है कि मेरा लो बैक पेन है, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों का प्यार है, रेगुलर आप रहते हो, उसी एनर्जी के साथ खड़े हो पाता हूं, लेकिन आज बड़ा दिक्कत हो गया यार, गलती कर दी। चलिए करेंगे, क्या बात, चलो चलो बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन ओनली द करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर। अगर बेटा सिर्फ करंट सोर्स ही एक्टिव है तो 1 ओम रेजिस्टर में करंट कितना होगा, अगर करंट सोर्स ही एक्टिव है तो 1 ओम रेजिस्टर में करंट कितना होगा, करंट सोर्स ही एक्टिव है तो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा 10 ओम रेजिस्टर। अगर बेटा करंट सोर्स ही एक्टिव है, ये सिर्फ यही वाला एक्टिव है, ठीक है, सिर्फ यही एक्टिव है बेटा, यही एक्टिव है सिर्फ, और कोई सा भी एक्टिव नहीं है आपका, ये सिर्फ यही वाला रेजिस्टेंस एक्टिव है और कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्टिव नहीं है, जले तो बेटा अगर ये करंट सोर्स एक्टिव कर दिया तो आप ही मुझे बताओ मेरा वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट हो जाएगा, मेरा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और अगर मेरा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, अगर मेरा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, अगर मेरा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया और करंट सोर्स सिर्फ मेरा एक्टिव है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है, एक ये वाला अवेलेबल है और एक ये वाला अवेलेबल है, इन दोनों में मेरी एनर्जी अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, तो आपको बताना था आज ये वाले में करंट कितना होगा, तो बेटा ये वाले में करंट निकालना है तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2/3 एम्पियर, तो ये जो करंट हमारा निकल के आ जाएगा फाइनली ये 2/3 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.66 एम्पियर, दैट इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोल्ट, ये तो लीव करो यार, बड़ा क्वेश्चन है, अब नहीं आता कभी। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, एक ओपैम क्या है बेटा, एक ओपैम क्या है, जल्दी बोलेंगे, एक ओपैम क्या है, जल्दी बोलो, एक ओपैम क्या है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या चीज है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या चीज है, जल्दी बोलेंगे, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, तो एक ओपैम बेटा कुछ नहीं है, एक ओपैम के बारे में हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर, पूरा नाम है इसका डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। सो गाइस, आज के लिए एक घंटा ही कर लेते हैं, वैसे तो मेरा मूड था कि मैं आपको दो घंटे तक कंटिन्यूसली करूंगा, लेकिन आज के लिए एक घंटा ही कर लेते हैं यार, है ना, थोड़ा सा इशू है, मोस्ट प्रोबेबली आज इसके बाद अभी कोई क्लास नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज सही हो जाएगा, तो कल वापस उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो कल बेटा मंडे है, तो मंडे के बारे में सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि मंडे को हमारी कितनी क्लासेस होती हैं, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक यूट्यूब पर रहती है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। शाम को 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक वापस से यूट्यूब पर रहती है, सारे बच्चे अवेलेबल रहेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। और रात को 9:30 बजे फ्री मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे, यहाँ भी अवेलेबल रहेंगे। और कोर्स के अंदर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रिविजन के लिए मिलते हैं, ये भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो भाई एक बार दिल से लाइक कर देना यार सेशन को, जिन्होंने लाइक नहीं किया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ अवेलेबल है, तो उन सारे बच्चों को बताना चाहूंगा, क्लियर, कि यार जैसा कल आप लोगों ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे, तो ऐसा कमेंट जरूर करके जाएंगे, काफी बच्चों ने कमेंट किया था, वैसे तो मैं आप लोग बोल रहे थे हम 100 लोग कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट 15-20 बच्चों ने किया था, लेकिन आज 155 स्टूडेंट्स वॉचिंग नाउ है, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। यस नवनीत कुमार, 4 से 6 भी क्लास होती है बेटा, मैं देखता हूँ कि आज कितने बच्चे कमेंट करते हैं, क्लियर। आरएसीबी की क्लास स्टार्ट कर दो, 4 से 6 आया करो, आरएसीबी की क्लास ही है वो, 4 से 6 आया करो, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो बेटा, तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक एमपीपीएससी के लिए तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, या मतलब असमंजस में, या कोई भी जेई एग्जाम के लिए असमंजस में है, तो जो भी कोई अदर जेई एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है वो एजेई इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर लेना, बट जो बच्चे एमपीपीजीसीएल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो एमपीपीजीसीएल की लिंक पर क्लिक करना, ज्वाइन एमपीपीजीसीएल जेई सुपर कोचिंग, यहाँ पर आपको बेटा वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अवेलेबल हूँ, शिव सर अवेलेबल है, ठीक है, मेरा लाइव डिविजन बैच रेगुलर चल रहा है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक बैच अवेलेबल है, पावर सेक्टर रिलेटेड जीके का बैच ऑलरेडी एड हो गया, मैं खुद ही लूंगा इसको, ठीक है। देन करंट अफेयर्स एडेड है, इंग्लिश आपके लिए अनन्या मैम का बैच एडेड हो चुका है। देन इन सभी चीजों के अलावा आप लोगों को रेगुलर डाउट क्लासेस मिलती है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सारे बच्चे अवेलेबल है, और 88 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है ये। तो सबसे लास्ट में गाइस, 6 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2799 का है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हो, द नेम ऑफ द कूपन कोड इज मोहित के, तो जैसे आप मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस कम हो जाती है, और फाइनल प्राइस जो इसकी होती है वो 2599 हो जाती है बाय अप्लाइंग द मोहित के। तो जैसे आप लोग मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस जो है वो 2599 हो जाती है फाइनल प्राइस, ठीक है। ओके ज्ञानेंद्र जी, चल इन सभी चीजों के अलावा गाइस एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये तो एमपीपीजीसीएल वाले बच्चों के लिए हो गया,
ये याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना यार एक बार, मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिएगा। तो फिर अपन लोग मिलते हैं बेटा इसी तरीके से, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू बी कमेंट, है ना, हर एक बच्चा कमेंट करके जाएगा, ठीक है, ताकि जिससे फायदा किसको है, आपको और मेरे को नहीं, किससे फायदा है, उन बच्चों को जिन जो बच्चे बेचारे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं ले पाते, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।